ये देखिए बुलेट में आग लग गई है यार, बीच में खड़ी हुई बुलेट में आग लग गई भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और आज फिर से हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता हम लोगों का होगा क्या। जहाँ कल हमने ऋषिकेश में स्टे किया था वहाँ भी हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो गया था, बिकॉज हम लोग तीनों साल बहुत लेट सो के उठे। और आज भी हम लोग रात को ये ना कसम खा के सोए थे कि भाई आज तो हम होटल का ब्रेकफास्ट खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा बुफे लगता है। तो आप क्यों बाहर स्पेंड करने की सोचोगे ना। तो आज फिर से हम तीनों लेट उठे, हमारा चेकआउट टाइम है 11:30 और हम 11:25 पे उठ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि नहाने के बाद ना बिस्तर में कौन घुसता है भाई। ये नहाने के बाद बिस्तर में इसलिए घुस रहा है, उसका रीज़न ये है, मैं दिखा देता हूँ बाहर का मौसम। ये देख लो भाई बाहर का क्या मौसम हो रखा है, जबरदस्त। रात को यहाँ बारिश हुई है तो अभी पूरा फॉग फॉग हो रखा है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट भी कहीं ऐसी जगह बैठ के करेंगे ना भाई, बादलों में सीधा बोलू ब्रेकफास्ट बादलों में हो जाएगा हमारा, एक नंबर। ठीक है, और एक हमारा भाई रजत, मेरा कुछ सामान छूट गया, अंदर आ जाऊ। ये इंसान सबसे लेट उठता है, सो गया वो भी बोल रहा है भैया ब्रेकफास्ट तुम्हारी वजह से मिस हो गया है मेरा। पूरी तैयार है उल्टी पहनी है, फिर उल्टी पहन ली, बोलो ने बताया तो उल्टी है, अब सीधी पहनी। भाई क्या मिले, 50 कहाँ से मिले, 50 इसके शगुन के दे रहा हूँ, ये जाएगा ना बेचारा बोल दो। ओहो सेट मत हो भाई, जल्दी मिल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी शादी होने वाली है दिसंबर में, तो लेट्स सी इसकी हो जाए, किसको कोई मिल जाए लड़की। भाई लोग अपना लगेज गाड़ी में रखते हुए और मौसम चेक आउट करा देता हूँ, क्या प्यारा मौसम हो रहा है, जबरदस्त। मसूरी को स्टे करने के बाद ऐसा मौसम देखने में मिला तो मज़ा आता है भाई। ये हमारा होटल था इधर, भाई लोग गाड़ी में लगेज रख रहे हैं। अब इसके बाद हम करने चलेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो चुका है। ये मॉल रोड रही है आपके ऐसे, यहाँ से वो जा रही है। गाइस हम अपने रानी में बैठ चुके हैं, रानी के राजा, और इस रानी को ना यहाँ से मॉल रोड पे नीचे उतारने के लिए टाइम लगता है। तो हमारे साथ हमारे ड्राइवर ये गार्ड अंकल, ये देखो इनके बिना ये नीचे नहीं जा सकती। चलो चलो आप चला देख पढ़ सकते हो, बहुत भयंकर है यार। एक्चुअली में इनके पास पार्किंग की बहुत कमी है, पार्किंग कमी नहीं है, लोग ज़्यादा आ रखे हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ सारे। ये देखो अंकल जी टुकवा मत देना। ये देखो अब यहाँ से पार्किंग है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ गाड़ी पार्क होती है और कैसे होती है, रूट दिखा दे भाई जी तुम्हें। भाई भाई, 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 भाई देख के देख देख ये देखो ये स्पेस है, देख रहे हो फिल्मों वाली शूटिंग चलती है भाई जी। पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे भाई, देख के घूम जाएगी ऐसे, नहीं नहीं अरे घूम जाएगी गोलू यार, घुमा घुमा तू, डर मत डर मत, आने दे चलने दे, चल 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 चल। ये देखो बच्चे कितने क्यूट बच्चे लगे, बस ये बार पीछा दो, चल 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 चल, कितना कम स्पेस है यहाँ पर, चलो चलो बस बस। ओह माय गॉड, देख के देख के देख के देख के
देख के ब्रो, देख के पीछे देखना, पीछे का क्या हिसाब है? बस पीछे का हिसाब नहीं है भाई, पीछे हिसाब रखना ही नहीं हमने। ये देखो बस, एक बार आ दो, चल चल चल, खींच दे खींच दे, अब एक बार खींच दे। मैं तुझे पहले ही बोल रहा था खींच दे भाई, चलो चल अपनी साइड तो चेक कर ले यार, बोल भी तू अपनी साइड, अपनी साइड तो ओके रिपोर्ट है। गाइस हम निकल चुके हैं कहाँ, लंडोर की तरफ, और अभी है मॉल रोड पे। देखो मॉल रोड कितनी खाली लग रही है ना आज, आज नहीं एक्चुअली थोड़ा जल्दी निकल चुके हैं हम लोग, वैसे तो हमेशा ही लेट हो जाते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं हम कहाँ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। रजत पीछे देख, कोई नहीं है पीछे, कोई नहीं है भाई, खा ले फुल खा ले, कैफे डेल लंडोर ही चलेंगे भाई। गाइस ये जो चार दुकान है बड़ी फेमस जगह है, हमने गाड़ी पार्क कर दी है और चार दुकान पे देखो क्या भीड़ हो रही है सुबह के, सुबह क्या कितने बज गए भाई टाइम देखने के बाद, 12 एग्जैक्ट बज गया क्या? तो ये चार दुकान है आपको, बहुत फेमस जगह है। तो अब हम जाने वाले कैफे, कौन सा कैफे है भाई? कैफे डेल लंडोर। कौन सा कैफे? कैफे डेल लंडोर, डी ए कैफे डेल लंडोर। ये रही हमारे कैफ़े की एंट्रेंस, कैफ़े डी लंदौर। तो चलते हैं, बहुत प्यारा कैफ़े है, एक बार लास्ट टाइम भी बैठे थे हम यहाँ पर, और यहाँ प्यारा सा पब भी है। चल रहा है अपना ब्रेकफास्ट, ये है बंद ऑमलेट, उधर पराठा रखा हुआ है, इधर ब्लैक कॉफी है, इधर भाई अपना बैठा हुआ है, चाय, चाय इज लव, चाय इज लव। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट करके पूरा मज़ा आ गया, बिकॉज पहली मील जो होती है ना मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, और ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो काफ़ी टाइम लग गया था ब्रेकफास्ट करते करते। तो यहाँ देखो क्या ये भाई बिहाइंड चल रहा है, आज मौसम भी प्यारा प्यारा है, आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सैटरडे को जैसे भीड़ रहती है ना, या तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए उस टाइम के हिसाब से, तो शाम को ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पर चढ़ने को। का प्लान ये है कि मैं और गोलू इसको ड्रॉप कर देते हैं इसकी नानी के घर, इसका मतलब इस प्राणी को रजत को ड्रॉप कर देते हैं नानी के घर, गोलू मेरे साथ जा रहा है मेरे फ्लैट पे, फिर हम दोनों खाएंगे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे जिम, और फिर दिखाता हूँ आपका कैसे रहना वाला है। इसको कर देते हैं गुड बाय 2-4 महीने के लिए। हाँ भाई अब कब आएगा तू? अब कभी नहीं आऊँगा। अब ये कभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके शादी का प्लान चल रहा है, तो 2-3 महीने के बाद सर्दी में शादी कर लेगा ये, उसके बाद हमसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। सर्दियों में शादी करनी बहुत जरूरी है, सर्दियों में तो तेरी शादी इस बार होगी बेटा। सही बात है। हाँ भाई गोलू चले, चलो देखते नानी के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं गाइस। चलो 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 गाइस। तो गाइस मैं अपना रेस्ट वेस्ट करके और अपनी प्री वर्कआउट मील लेके अब आ चुका हूँ जिम। देखो ये होता है, मैं 3 दिन से अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ, बट जब मुझे मौका मिला ना वर्कआउट तो नहीं छोड़ने वाला, जो आज मेरा वर्कआउट सेशन है वही करने वाला हूँ, दैट इज मेरा माई लेग्स वर्कआउट आज करने वाला हूँ। लेग्स वर्कआउट इतनी ज़्यादा मैंने चीट मील्स ले ली है 3 दिन के अंदर, इतनी ज़्यादा चीट मील्स ले ली है, मतलब कोई भी एक भी 3 दिन के अंदर मैंने कोई हेल्दी मील ली ही नहीं, बटर मक्खन घी सब कुछ खाया मैंने, जो भी मिल जाता पराठे ये वो सब कुछ। क्या होता है ना इतने दिनों के बाद जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो ना, तो भाई मुझे सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, फिटनेस इंपॉर्टेंट है बट फिटनेस की कोई टेंशन नहीं है। फिर से हम जिम के अंदर आ गए, कोई नहीं कल से प्रॉपर एक रेगुलर डाइट पे, एक प्रॉपर डाइट पे फिर से आ जाऊंगा मैं, और बहुत क्लीन डाइट लेने वाला हूं फिर से। तो आज करने वाला हूं लेग्स वर्कआउट, शायद से मैं करूँगा शुभ्रांत के साथ, अगर वो लेग्स करेगा साथ में, एंड चलते हैं जिम के अंदर, दिखाते हैं कैसा रहेगा वर्कआउट,
आज जितनी कैलोरीज तीन दिन के अंदर खाई है ना उल्टा फाड़ देगी वर्कआउट में, ऐसा क्रेजी वर्कआउट होने वाला है ना, दिखाता हूँ, जुड़े रहना लास्ट तक।